ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही भोपाल भेजे गए कौवों के सैंपलों की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। प्रदेश में कुछ दिनों से कौवों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नीमच में भी कुछ कौवों की मौत की खबरें आई हैं, जिसके बाद वन और पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट पर है। एक दिन पहले मृत कौवों के सैंपल लेने के बाद पालतू पक्षी खासकर मुर्गियों की भी पशु चिकित्सा विभाग ने सैंपलिंग की और नमूनों को जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजा है। गौरतलब है कि प्रदेश में लगातार कौवों की मौत की खबरें आ रही है। इस बीच दो दिन पहले नीमच में भी ओपीएम फैक्ट्री क्षेत्र में करीब 50 से अधिक कौवों की मौत का मामला सामने आया था, जिस पर वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर मृत कौवों को देखा था और बर्ड फ्लू की आशंका में पशु चिकित्सा विभाग को सूचित किया था। मामले में पशु चिकित्सकों ने मृत कौवों के सैंपल लिए थे, जिन्हें जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजा गया था। इधर हालातों के मद्देनजर पशु चिकित्सा विभाग ने पालतू पक्षियों के सैंपल लेने भी शुरू कर दिए हैं। सोमवार को शहर में कुछ पालतू मुर्गियों को पोल्ट्री फार्म के माध्यम से बाजार में बेची जा रही है। मुर्गियों की सैंपलिंग भी की गई है। पशु चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि संबंधित नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। दो दिन पहले 40-50 कौवे की मरने की खबर हमको आई थी। उन सारे कौवों को हम लोगों ने भोपाल भेज दिया है लड़ने सामने। साथ ही साथ कुछ ओपन मार्केट से पोल्ट्री फार्म से और चिकन शॉप से हम लोगों ने बर्ड्स के सैंपल लिए और उन सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद हम लोग आगे कर रहे थे। प्रिकॉशन के तौर पर हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया डीडी डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी के लीडरशिप में। और हमारी लोगों से सलाह ये है कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती हैं अभी उनके कंजम्पशन से बढ़ते हैं बर्ड्स के कंजम्पशन से, और जो हाई फ्लेम पे ही इसको पकाएं अगर आप खाना भी चाहते हैं तो। और डेफिनेटली जैसे सैंपल रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम लोग उसका अवेल कर रहे हैं।